हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीए जागृति। आज हम बात करेंगे सीए स्टूडेंट की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम से जो अभी नॉर्मली सभी स्टूडेंट के साथ हो रही है। दीदी फिर से स्टडी में मन नहीं लग रहा है, हमें लगता है चलो बुक लेके बैठते हैं ना यार, पढ़ेंगे स्टडी करेंगे अपने आप मन लगेगा, और क्या होता है पूरे के पूरे दिन आपने उसी में निकाल दिए और स्टडी में वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाई। रीजन रह रहे के ये माइंड में आता है यार एग्री ग्रेड नहीं हो पाया, 191 पे आके अटका हूँ, 459 आ गए थे, 40 नहीं हो पाया, 39 पे आके अटक गया, इसलिए ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। जब मन नहीं लगता ना स्टडी में तो दो रीजन होते हैं, फर्स्ट आपकी फेलियर, सेकंड स्टडी में गैप। देखो एग्जाम से रिजल्ट के बीच एक अच्छा खासा गैप हम स्टूडेंट्स को मिल जाता है और हमारा क्या शेड्यूल अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो शेड्यूल चेंज होने की वजह से क्या फिर से स्टडी स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो दो प्रॉब्लम है, एक बार फेलियर, सेकंड आपका क्या है आपकी स्टडी का रूटीन टूट गया। तो फेलियर के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपका कहीं पर भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है ना स्टडी में ना किसी और में, तो मैं आपको सीरियसली कहूँगी एक दिन का ब्रेक ले लें। जी हाँ, बुक ओपन करके उसके सामने टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक दिन का ब्रेक ले और वो जो करना है वो करें, मूवी देखें, जो भी करें, बाहर जाए, फ्रेंड्स के साथ घूमें, माइंड को रिफ्रेश करें। क्योंकि जब फेलियर आती है ना तो डीमोटिवेट हो जाता है, तो डीमोटिवेट आपके माइंड को इफेक्ट करता है, माइंड को रिफ्रेशमेंट के लिए आपको कहीं बाहर जाना है। सेकंड, ब्रेक वेक सब हो गया, अब स्टडी स्टार्ट करनी है। कैसे करेंगे, जब भी मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट करें ना, सबसे खराब आदत सोशल मीडिया, हम थोड़ा उठते ही मोबाइल उठाते क्या करते हैं, इंस्टा ओपन कर लिया, फेसबुक पे देख लिया, व्हाट्सअप चेक कर लिया, रिफ्रेश नहीं कर रहे हो आपके माइंड को, डिप्रेस कर रहे हो। क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, जो सीए बन गए हैं या जिनका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपके अदर फ्रेंड्स जो है अदर फील्ड में वो एंजॉय कर रहे हैं, तो इन सबको आपको देख के आना फिर से डिमोटिवेशन होगा। इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या है ना, मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट करने से पहले जोश टॉक देखें। जोश टॉक नॉर्मली एक मोटिवेशनल चैनल है जहाँ पर लोगों की सक्सेस स्टोरी को शो किया जाता है, तो मैं यही देखा करती थी। इसमें बताया जाता था कैसे एक मध्यम वर्ग का लो लेवल का इंसान आता है, अपनी स्किल्स के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल करता है। तो ये चीज़ें ना आपको मोटिवेट करती है, और दिन की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती जब आपकी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करें, डबल एफर्ट हो जाएंगे, एक घंटे में जो आप 5 टॉपिक कवर कर रहे थे ना उसकी जगह आप 8 करोगे, 10 करोगे, क्योंकि जब आपका मोटिवेशन आता है ना अंदर से तो चीज़ें आप इजीली सारी कवर कर लेते हो। सेकंड थिंग, आप खुद को ना एंटरटेन करते रहें। इसके लिए मैं क्या करती थी, कपिल शर्मा शो। जी हाँ, जब भी मैं खाना खाती थी या कुछ भी करती थी ना तो मैं पूरा ब्रेक लेती थी। अगर 15 मिनट में खाना खाऊंगी, 20 मिनट खाना खाऊंगी, मुझे कोई भी स्टडी वगैरह का टेंशन नहीं है, मैं कपिल शर्मा शो का चैनल स्टार्ट कर देती थी और वो देखते हुए खाती थी। कभी कभी तो मेरे पापा कहते थे कि यार कपिल शर्मा शो बंद हो गया तो मेरी बेटी खाना कैसे खाएगी, जस्ट जोक। रीज़न यही है, देखो खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है स्टडी में, और खुद का मन यानी शांत रखना, एंटरटेनमेंट भी देते रहो, क्योंकि यार लाइफ ना एक बोरिंग हो जाती वही रूट पर चलते चलते। अब आपने दिन की शुरुआत किससे की, जोश टॉक चैनल से, एक अच्छी सक्सेस स्टोरी देखी, फिर मन लगा के स्टडी कीजिए, रिवीजन लेक्चर देखिए। जी हाँ, आप एक दो दिन वापस स्टडी में मन नहीं लगेगा, लेकिन खुद को बैठाओ, खुद को फिर से उसी शेड्यूल में डालो, क्योंकि क्या आपका शेड्यूल ना वो चेंज हो गया है, तो फिर से उस शेड्यूल में आने के लिए ना खुद को आदत डालनी पड़ेगी। तो आप खुद को बैठा के रखो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है फिर भी बैठो, किसी भी टीचर का रिविजन लेक्चर स्टार्ट करो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके माइंड में जाता रहेगा। 2 या 3 दिन आप ये करोगे ना एक्सरसाइज, तो 4th डे से अपने आप मन भी लगेगा, माइंड भी चलेगा, और वो आपका रूटीन फिर से फॉलो हो जाएगा। तो फिर से मैंने क्या कहा, समराइज ऑल दिस वीडियो, आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, 2 रीजन, फेलियर, स्टडी में ब्रेक आ गया है, फेलियर के लिए 1 डे का ब्रेक ले, स्टडी में ब्रेक आ गया है इसलिए 3 दिन खुद को टेबल कुर्सी पर बैठा के रखें, नहीं मुझे स्टडी करनी है, कुछ भी हो जाए, नहीं आ रहा है ना समझ में तो कुछ नहीं, खाली रीड करें, किसी टीचर के रिविजन लेक्चर देखें, लेकिन स्टडी करें, 3 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखेगा।
आई होप आप लोगों को मेरी एडवाइस यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं और बताएं आपको अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं स्टडी में, क्या क्या रीजन की वजह से आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।